हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन विद मी। और आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक मिनी ड्रेस, जो कि बॉक्स प्लेट ड्रेस है। और इसके फ्रंट में हम प्लेकेट यूज करने वाले हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और देर न करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हम सबसे पहले 3 मीटर कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक लेंगे। मैंने बटरफ्लाई प्रिंट लिया है, आप कोई भी प्रिंट का फैब्रिक ले सकते हैं। फैब्रिक की लेंथ हम लेंगे 14.5 इंचेस और विड्थ हम लेंगे 21.5 इंचेस, जो कि ये फ्रंट बॉडीज है। सेम हमने बैक बॉडीज के लिए लेना है। तो सबसे पहले हम 1 इंच का निशान लगाएंगे ओपन साइड पे, और हम शोल्डर के लिए 5 इंच लेंगे और आर्म होल हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर देंगे और आर्म होल को शेप दे देंगे। और 1 इंच हम लेंगे सीम अलावंस के लिए। वेस्ट हम लेंगे 7.5 इंचेस। इसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। उसके बाद हम नेक के लिए हमने विड्थ लेनी है 2 इंचेस शोल्डर के साइड से, और नेक की लेंथ लेंगे हम 5 इंचेस, और अब हम इसे राउंड शेप दे देंगे। शोल्डर ड्रॉप के लिए हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। जितना फैब्रिक हमने फ्रंट के लिए लिया था उतना हमने बैक के लिए लेना है। और हम शोल्डर लेंगे 4 इंचेस और बैक की लेंथ लेंगे हम नेक की 6 इंचेस, और इस तरीके से हम फ्रंट वाले पोर्शन को रखेंगे और ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से हम शेप दे देंगे आर्म होल को और नेक को। और जितनी वेस्ट हमने फ्रंट में ली थी उतनी हमने बैक में लेनी है और कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बैक की कटिंग हो गई है। अब हम ऊपर से थोड़ा कट कर देंगे इसे, क्योंकि हमारे जो नेक है बैक के वो डीप है। उसके बाद हम लाइनिंग पे ट्रेस करेंगे फ्रंट और बैक को इस तरीके से और कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। सेम ऐसे ही हमने बैक की भी करनी है। फ्रंट बैक दोनों कट हो चुके हैं लाइनिंग। इसके बाद हम इस स्लीव के लिए लेंथ ली है हमने 17 इंचेस, और विड्थ जितनी हमारे फैब्रिक की थी उतनी ले ली है मैंने। उसके लिए हम 4 इंच के लिए निशान लगाएंगे स्लीव की कैप के लिए, और उसके बाद हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से ऊपर पॉइंट पर मिला देंगे और शेप दे देंगे आर्म होल कर्व की। और फ्रंट आर्म होल के लिए हम थोड़ा सा 1/2 इंच के अंदर पे निशान लगाएंगे। और आर्म होल के लिए हमने जितनी आपको चाहिए आप उतने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 5 इंच पे लिए निशान लगाया है, और 1 इंच हम सीम अलाउंस के लिए लेंगे, और 1 इंच हम फोल्डिंग के लिए रखेंगे और कट कर देंगे इस तरीके से स्लीव को। और फ्रंट साइड की भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमने प्लेकेट की लेंथ लिए 10 इंचेस और विड्थ हमने लिए 2 इंचेस, और लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक को मिला के रखेंगे और उस पर इस तरीके से हमने प्लेकेट को स्टिच करना है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट की जो प्लेकेट है दोनों साइड की स्टिच हो गई है। और अब हम नेक फिनिश करेंगे। तो नेक के लिए हमने इस तरीके से एक फैब्रिक लेना है और इस तरीके से प्लेस करेंगे हम फैब्रिक पे और कट कर लेंगे। और इसकी विड्थ हमने 2 इंचेस रखी है। इस तरीके से हमने नेक की फेसिंग काट लेनी है
और इस तरीके से हमने इसे प्लेस करना है नेक पे और सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे और टर्न करके फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमारे फ्रंट की जो नेक है वो फिनिश हो गई है। सेम ऐसे ही हमने बैक की भी फिनिश कर लेनी है। अब हम दोनों शोल्डर्स को मिला के रखेंगे फ्रंट और बैक के और शोल्डर को हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है। इसके बाद हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो हम सबसे पहले पिन कर लेते हैं और फ्रंट साइड का जो आर्म होल है वो हमने फ्रंट साइड स्टिच करना है और बैक साइड के आर्म होल को बैक साइड पे स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से पहले हम पिन कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो हमने दोनों साइड पे स्लीव को अटैच कर लेना है बॉडीज के। तो ये देखिए हमारे स्लीव अटैच हो गए और हमारा बॉडीज रेडी हो गया। अब हमने जो साइड सीम है उसको भी स्टिच कर लेंगे। अब हम स्कर्ट पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारे जो फैब्रिक की जो ऊपर वाली जो किनारे वाले पोर्शन मैंने नीचे के साइड रखा है और हम ये 3-3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे क्योंकि हमने बॉक्स प्लीट बनानी है। तो जितनी भी मेरी फैब्रिक की विड्थ थी मैंने वो सारी ले ली है और अब हम बॉक्स प्लीट बनाएंगे और इस तरीके से पिन कर लेंगे। और हमने ये 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है बॉक्स प्लीट पे दोनों साइड पे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली और रेडी हो गए दो स्कर्ट के पार्ट हमारे फ्रंट और बैक। अब हमने साइड पे सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। इसके बाद हम लाइनिंग की स्कर्ट कट करेंगे। तो हम वेस्ट ले रहे हैं 8 इंचेस और जितना भी हमारे जो विड्थ थी फैब्रिक की वो सारी ले ली थी मैंने और इस तरीके से कर्व शेप देते हुए हम 1 इंच का अलाउंस लेके कट कर लेंगे। अब हम जो लाइनिंग है उसको भी सिलाई लगा लेंगे साइड सीम पे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने स्कर्ट पार्ट को अटैच करना है बॉडीज के साथ में। तो हमने लाइनिंग और मेन पार्ट जो स्कर्ट का है उसको मिला के रखना है और बॉडीज की वेस्ट से मैच करते हुए रखना इस तरीके से और पिन कर लेंगे। और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और मैंने बटन्स भी लगा लिए हैं। आप चाहे तो हुक भी लगा सकते हैं और हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।